जहाँ नामांकन एक तरफ प्रथम चरणों में आज पहला दिन है नामांकन का, लगातार जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुँच कर अपने नामांकन का पर्चा लगा रहे हैं, और उसी को लेकर हमारे साथ कई प्रत्याशियों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। उसी के तहत बात की जाए अगर तो जगतपुर से प्रत्याशी है हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करता हूँ और जानूंगा कि आखिर क्या सोच है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गौरव द्विवेदी उर्फ सोनल, मैं जगतपुर से उम्मीदवार हूँ जिला पंचायत सदस्य का। इससे पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, इसके पहले हमने लड़ा नहीं राजनीति में, मेरा यही से पहला कदम है। बाकी मैं व्यापार मंडल से जिला उपाध्यक्ष हूँ, और समाज में जिस तरीके से जो चल रहा है उसको बदलने के लिए मुझे लगा कि ये जिला पंचायत सदस्य की सीट एक बहुत ही वो सीट है जिससे कि कई सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया है कि बस जिला पंचायत में वोटिंग किया, अध्यक्ष बनाया, काम खत्म किया। क्या सोच रहे हैं विकास की बात की जाए तो लगा था कि ग्रामीण अंचलों का विकास ही सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पे देखा जा सकता है? वही है कि अभी तक क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य जीत के चले जाते हैं और वोटिंग करते हैं, अपना वोट देके वो छुट्टी हो जाते हैं, फिर 5 साल नज़र नहीं आते न समाज में, न कहीं मार्केट में, न कहीं अपने क्षेत्र में। तो उसको बदलाव करना है, बिल्कुल एकदम समाज में ये संदेश देना है कि इस तरीके से जो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं ऐसा होता नहीं। जिला पंचायत से जो सड़कें आती हैं, जो लाइटें आती हैं, नल का निर्माण होता है, खड़े नाली का निर्माण होता है, उस तरीके से इसको कार्य किया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और इस पद को बखूबी अगर निभाया जाए तो ये एक समाज में मिसाल बनेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जैसे कि हमारे साथ जगतपुर से मौजूद थे गौरव द्विवेदी, और इनका गौरव द्विवेदी और इनका साफ साफ कहना है कि जो विकास के तौर पर इनका नज़रिया देखने को मिलेगा, पर सबसे बड़ी बात है कि इस बार देखा गया है कि युवा प्रत्याशियों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा, तो आने वाला समय बताएगा किस प्रकार से लोग नामांकन की प्रक्रिया और किस प्रकार से चुनाव कम्प्लीट होते हैं। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।